तो फ्रेंड्स वेलकम टू ए1 स्टडीज। आज इस वीडियो में हम करेंगे करंट अफेयर्स 11th जन। ओके सो फर्स्ट करंट अफेयर, डॉक्टर के सिवन, ये एक इंडियन साइंटिस्ट है। ये अपॉइंटेड हुए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। ओके इसरो के नए चेयरमैन कौन है? डॉक्टर के सिवन, ये रिनोन्ड इंडियन साइंटिस्ट है। इन्होंने रिप्लेस किया है एएस किरण कुमार को। ठीक है ओके, इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है? इसमें आपसे पूछ सकते हैं इसरो की फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, के सिवन, डॉक्टर के सिवन नए हमारे अपॉइंट चेयरमैन हैं, किसके? इसरो के, रिप्लेसिंग ए एस किरण कुमार। ये कब बने थे? ये बने थे 12th जैन 2015 को। जो भी चेयरमैन बनता है वो बनता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ओके सो के सिवन कब तक रहेंगे? 18 में बने, अभी नेक्स्ट 3 इयर्स तक रहेंगे। एएस किरण कुमार बने थे 12 जैन 2015 को, इनका टेन्योर खत्म हो गया है। और जो किरण जो है हमारे साइंटिस्ट, जो हम नए चेयरमैन बने हैं, के सिवन, ये करंटली सर्व क्या कहां पे अभी क्या कर रहे हैं? ये करंटली सर्व एज डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी ये करंट डायरेक्टर है। ठीक है, एक करंट अफेयर में से आपको इतनी नॉलेज काफी है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। सेकेंड करंट अफेयर है हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन धर्मधाम। ठीक है, ये कहाँ पे, इसमें हमने कॉन्फ्रेंस का नाम याद रखना है। ठीक है, धर्मधाम ये कहाँ पे हो रही है? राजगीर बिहार में। ठीक है, इसमें इस करंट अफेयर में से हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक तो पहले सबको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, इज आर प्रेसिडेंट। ये ऑर्गेनाइज कौन कौन कर रहे हैं? ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज कर रही है नालंदा यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रिलीजन एंड सोसाइटी। ओके, ये इंडिया फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे मिलके ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या है इसका? 4th कॉन्फ्रेंस है ऑन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन धर्मधाम। जो थर्ड हमारा करंट अफेयर है वो है नेशनल यूथ फेस्टिवल। ठीक है, नेशनल यूथ फेस्टिवल, ओके 5 डे नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ये आई गेस गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये एनसीआर रीजन में हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताओ, ये कब से स्टार्ट हुआ है? 12th जैन से। ये आपने अगर न्यूज चैनल देखा हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ये क्यों होता है? बर्थ एनिवर्सरी पे स्वामी विवेकानंद, जो हमारे यूथ आइकन है, यूथ आइकन जिन्हें माना जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये होता है फेस्टिवल। ओके, इनॉग्रल जो फंक्शन था उसमें सीएम, हाँ ओके, सीएम ऑफ यूपी जो है योगी जी वो थे, और राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर, ये मिनिस्टर हैं आई गेस स्पोर्ट्स के, इन्होंने किया है ये। ओके, इसमें जो चीफ गेस्ट कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर। ठीक है, श्री महेश शर्मा विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, चीफ गेस्ट जो है ये रहेंगे। ओके, इसके बारे में एक और, ये जो है एक और चीज आपको याद रखनी चाहिए, 22nd, ठीक है, 22nd यूथ फेस्टिवल है, और फर्स्ट ये आई गेस स्टार्ट होगा 1995 में। इस करंट अफेयर से आपको बस ये सब जानने की जरूरत है, इसके बाहर से एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, ठीक है, वो है हमारा हमारी ग्रोथ रेट को लेकर। जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसने प्रोजेक्ट किया है कि जो 2018 है, ठीक है, उसमें हमारी ग्रोथ रेट होगी 7.3%, और नेक्स्ट 2 ईयर्स की जो मतलब 18 एंड 19 में वो कह रहे हैं, ठीक है, 7.5% होगी। ठीक है, ये मतलब वर्ल्ड बैंक मानता है कि हम काफी बड़ी और काफी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, इस बार भी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, आपको सबको इसके बारे में पता ही होगा, नहीं तो मैं इसके बारे में कल वीडियो बनाऊंगा, एंड जीएसटी, ठीक है, इनके बावजूद भी हमारा जो एस्टिमेट ग्रोथ है वो है 6.7, जो कि बहुत ही बेटर है। ओके सो अगर ये कह रहे हैं कि 7.3% होगी ग्रोथ हमारे 2018 में, तो ये वर्ल्ड बैंक अभी भी कम कह रहे हैं, आई गेस 7.5 हम 2018 में ही टच करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई शेयर आई नेक्स्ट करंट अफेयर्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके